हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्रिकेट चैनल और आज की शुरुआत बात करने वाला है मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के मैच के बारे में। मस्ट विन गेम है दोनों ही टीमों के लिए। जो टीमें मैच जीतेगी वो तो प्लेऑफ्स के रेस में बनी रहेगी, पर जो टीम मैच हारेगी वो फिर यहां से क्वालिफाई नहीं कर पाएगी। तो मैच का प्रीव्यू करेंगे, प्रेडिक्शन करेंगे, पर उससे पहले आपको बता दूं डिस्क्रिप्शन में आपको विराट कोहली टिप्स का व्हाट्सएप नंबर मिलेगा। अगर आपको इस आईपीएल में मैच की विनर टीम चाहिए हो और साथ में सेशन और टॉस चाहिए हो तो जरूर से विराट कोहली टिप्स को मैसेज कीजिए। इनका काम बहुत जबरदस्त है, नंबर डिस्क्रिप्शन में एक बार मैसेज करके देखिए, आपको इनका काम जरूर पसंद आएगा। पहले मैच में आपको फ्री डेमो भी मिलेगा। तो भाई, पहले बात करेंगे राजस्थान रॉयल्स की टीम के साथ, जिन्होंने अपना पिछला मुकाबला खेला था चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ। मैच से पहले उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए थे, पर वो चेंजेस कहीं ना कहीं टीम के काम आए, टीम ने मुकाबला जीता। हालांकि बॉलिंग में टीम की शुरुआत उतनी अच्छी नहीं हुई थी, बॉलिंग में ओवरऑल इनका परफॉर्मेंस ही उतना अच्छा नहीं रहा था। राहुल तेवतिया को जरूर 3 विकेट मिले थे और चेतन साकरिया को 1 विकेट मिला था, पर बाकी कोई भी बॉलर कुछ खास नहीं कर पाया था। पिछले मैच में उन्होंने क्रिस मॉरिस को भी नहीं खेला था, पर डेथ ओवर्स में उनकी कमी जरूर खली, बहुत ज्यादा ही रन पड़े। मुस्तफिजुर रहमान भी डेथ ओवर्स में कुछ खास नहीं कर पाए, वो भी काफी एक्सपेंसिव रहे थे। पर विशाल का टारगेट चेस करते हुए टीम को बहुत जबरदस्त शुरुआत मिली। यशस्वी जायसवाल और एवन लुइस दोनों ने बढ़िया शुरुआत की, दोनों ने तेज तरह रन बनाए। जायसवाल ने तो बहुत ही बढ़िया 50 भी लगाया, और उसके बाद संजू सैमसन ने भी काफी सेंसिबल पारी खेली, और एंड में शिवम दुबे ने भी अच्छे शॉट लगाए, उनकी इनिंग भी काफी अच्छी थी। ओवरऑल राजस्थान ने बैटिंग में कमाल ही कर दिया, बड़ा सा टारगेट चेस कर दिया और मैच को भी अपने नाम कर लिया। और यहां से अभी के लिए इन्हें 2 मैचेस जीतने पड़ेंगे, अगर दोनों ही मैचेस जीत गए तो फिर ये टॉप 4 में क्वालिफाई कर जाएंगे। इंग्लैंड में पिछले मैच में कई सारे चेंजेस किए थे, इस मैच में चाहे तो क्रिस मॉरिस को फिर से वापस ला सकता है मुस्तफिजुर की जगह पे, और यहां पे श्रेयस गोपाल का भी मयंक मार्कंडे की जगह पे ऑप्शन बनता है। ये तो बात हुई राजस्थान रॉयल्स की, अब बात कर लेते हैं डिफेंडिंग चैंपियंस मुंबई इंडियंस की। पिछले दोनों सालों के जो आईपीएल के चैंपियंस रहे हैं, पर इस साल परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बुरा रहा है। पिछले मैच में भी दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ इन्हें हार का सामना ही करना पड़ा था, और उस मैच में भी इनकी बैटिंग ने ही इन्हें डिसअपॉइंट किया था। बैटिंग में सूर्य कुमार यादव ने रन बनाए थे, पर बाकी कोई भी बल्लेबाज अच्छी बैटिंग नहीं कर पाया था। कई बल्लेबाजों को स्टार्ट जरूर मिले थे, पर उसे कोई भी बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाया था। हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या दोनों ने 100 के स्ट्राइक रेट से नीचे बैटिंग की। कैरन पोलार्ड भी कुछ खास नहीं कर पाया, एंड में जयंत यादव ने कुछ शॉट लगाए, पर फिर भी टीम ने दिल्ली के सामने सिर्फ 130 रनों का टारगेट ही खड़ा किया था। बॉलिंग में ट्रेंट बोल्ट, कृणाल पांड्या, जयंत यादव, जसप्रीत बुमराह, नितिन कुल्टरनाइल सभी को 1-1 विकेट जरूर मिला था, पर 130 रनों का टारगेट डिफेंड करना आसान काम नहीं होता। और वैसे इनकी बॉलिंग इनकी कमजोरी नहीं है, बॉलिंग ने जरूर इस सीजन अच्छा ही परफॉर्म किया है, पर बैटिंग ने ही इन्हें ज्यादातर मैचेस में डिसअपॉइंट किया है। और वैसे हार्दिक पांड्या, ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव, इन तीनों का फॉर्म वर्ल्ड कप के हिसाब से भी टीम इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा बुरी खबर है। तीनों ही इस समय बहुत बुरे तरीके से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। मुंबई इंडियंस के एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 की बात की जाए तो ये जयंत यादव की जगह पे शायद राहुल चहर को खिलाना पसंद कर सकते हैं, और इसके अलावा सौरभ तिवारी की जगह पे फिर से ईशान किशन को भी खिलाना चाह सकते हैं। इस मैच के लिए ड्रीम 11 टीम का कैप्टन में बना रहा हूं संजू सैमसन को, वाइस कैप्टन में बना रहा हूं जसप्रीत बुमराह को। वैसे ये मैच देखा जाए तो राजस्थान की बैटिंग और मुंबई की बॉलिंग में खेला जाएगा, क्योंकि राजस्थान की बॉलिंग फॉर्म में नहीं है और मुंबई की बैटिंग फॉर्म में नहीं है। मुंबई बॉलिंग में कैसा परफॉर्मेंस दिखाती है ये मैटर करेगा, राजस्थान बैटिंग में कैसा परफॉर्मेंस करते हैं ये मैटर करेगा, और इन दोनों के बीच का कॉन्टेस्ट ही मैच का रिजल्ट भी मेरे ख्याल से डिसाइड करेगा। ये मैच खेलने वाला है शारजाह में, ग्राउंड छोटा जरूर है पर पिछले सीजन यहाँ पे बहुत ज्यादा स्लो हमें देखने को मिली है, बिल्कुल यहाँ पर रन बने ही नहीं है। और इनफैक्ट पिछले जो 4 मैचेस यहाँ पे रहे हैं उन चारों ही मैचेस में फर्स्ट इनिंग में टीमें 140 रन भी नहीं बना पाई है, तो लो स्कोरिंग मैच एक्सपेक्टेड है। बॉलर्स को यहाँ पे काफी ज्यादा मदद मिलेगी, टारगेट चेज करना एक ज्यादा बेहतर ऑप्शन होगा, ड्यू फैक्टर मैच में रोल प्ले कर सकता है। मैच प्रेडिक्शन की बात की जाए तो मुझे लग रहा है ये मुकाबला राजस्थान रॉयल्स जीतेंगे। मेरा मानना है कि राजस्थान की टीम मुंबई को हराएगी, मुंबई की बैटिंग बहुत ज्यादा आउट ऑफ फॉर्म है, तो मेरा मैच प्रेडिक्शन है राजस्थान रॉयल्स। पर हाँ, आप विराट क्रिकेट टिप्स को जरूर से कॉन्टैक्ट कीजिए, नंबर डिस्क्रिप्शन में है। अब इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।